दोबारा तो जेठानी जी आपने तो पहले सुलझा दी, अब तो वो दुई मुखेश्वरी देवी का राज और जल्दी खो दो है ना। मेरे सीरियलों के वक्त इस टीटा होता है लोगों को, उससे तो चढ़ावा चढ़ाने से मना कर दिया था, आपकी बात मानी थी, उसको नींद में छोड़ा था और देवी देवी उसके साथ मानती थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं असलम बोल रहा हूँ दुबई से। वो रिश्ते के बारे में आप फोन करे थे ना, उसी तालुक से बात करना है मेरे को। आप कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं लड़की की वालिदा बोल रही हूँ मैं। अब मुद्दे की बात, मैं आपकी लड़की की तस्वीर देखा, 1001 रिश्ते रिजेक्ट करने के बाद मेरे को आपकी लड़की पसंद आई। आपकी असिस्टेंट तो 900 चिल्लर बोल रहे थे। वो बोल के 3 दिन हो गए, आप मेरा बायोडाटा देख लिए ना, रिश्ता मंजूर है? जी बिल्कुल मंजूर है। और आपकी बेटी आलिया को तो कोई इतराज नहीं? अरे मेरी बेटी फरमा बरदार है, जैसा मैं बोले वैसे ही सुनती हूँ। आप बेफिक्र रहिए, आप कब आ रहे बोलिए, बस मैं तैयारियाँ कर लेती हूँ। अच्छा आप आए बात कहाँ ठहरेंगे? वैसे मैं 5-स्टार होटल में रुकूंगा सोचा था, मगर एक दूसरे को समझने के लिए मैं वहीं रुक जाऊंगा। मैं भी वही बोल रही थी, अपना घर रख के बाहर होटल में कई को बोल के। अच्छा कब आ रहे आप? जी मैं कल सुबह की फ्लाइट से आ रहा हूँ। कल ही? जी ऑलरेडी मेरी एंट्री लेट हो गई, कल से मैं आपके और आलिया के साथ कुछ वक्त बिताना चाह रहा हूँ। खुदा हाफिज। आलिया, आलिया जी अम्मी, फौरी सामान पैक करना शुरू करो। चलो सर, देखो क्या हुआ? अरे इतने बड़े आदमी को क्या ऐसे घर में रखेंगे अपन? बॉश अपार्टमेंट लेंगे हाईटेक सिटी में। अरे दीवानी उन लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खाते और टॉयलेट इंग्लिश होना पड़ता। मैं तो सुनी हूँ उन लोग कागजा इस्तेमाल करते, कहते ना जरूरत को कहते। छी अम्मी, वो गल्फ वाली यूज नहीं करते, वो अंग्रेजा इस्तेमाल करते। तुम फिर भी 4 अखबार फाड़ के रख दो, मेरी बात सुनो। वेलकम टू राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक मिनट, एक सेल्फी लेके फेसबुक पे डालेंगे, आई एम इन हैदराबाद। साहब कौन सा परफ्यूम है, बहुत जानदार खुशबू आ रही। जानदार नहीं, असरदार है। इसकी खासियत यह है कि 1 महीने तक इसकी खुशबू नहीं जाती, यहाँ नहीं मिलता ये। साहब ये फोन भी बाहर का दिख रहा, कितने मेगा पिक्चर है इसमें? अबा बहुत ही चटवास हो गया हैदराबाद, मेगा पिक्सल भी मालूम हो गया तुम लोगों को अब। खामोश गाड़ी चला, ये हौला मेरे चाइना के फोन को जापान का समझ रहा। साहब आप बहुत दिनों के बाद हैदराबाद आए, ऐसा दिख रहा। बहुत दिन नहीं, पूरे 20 साल के बाद आया हूँ, आधी जिंदगी वहाँ गुजार लिया हूँ, बाकी की आधी जिंदगी यहाँ बिताऊंगा बोल के आया। ऐसा क्या साहब? मगर क्या पोल्यूशन हो गया मियां यहाँ पे, जरा ये ना तो ऊपर कर, मेरा स्किन टोन खराब हो जाएगा। पहली बड़ी मुश्किल से ये कलर आया मेरे को। साहब हाथ का है देखो, आप चढ़ा लो। अभी हाथ पे छे तुम लोग, देख के चलाना रे। कुत्ते की तुम सीधी हो जाएंगी, मगर यहाँ का ड्राइविंग सेंस नहीं बदलेंगा। क्या बोलेंगे भाई लोग? अच्छी जगह रोक, सिर में दर्द हो रहा, चाय पीतो। नमस्ते दोस्तों, आज के फनकार में आज एक ऐसी फनकार जिन्होंने अपनी। भैया जी हम समझ रहे थे कि हमारे बिहार में अच्छा चाय मिलता है। बिहार में खाली दूध अच्छा मिलता, चाय तो सिर्फ हैदराबाद में अच्छी मिलती। चल पी। साहब वो बैग के को ले जा रहे हैं, गाड़ी में रहने दो ना। दीवाना हो गया, बैग में मेरा कीमती सामान है, चल बाहर आ। चुप तो भी दुबई छोड़ गया ये गर्मी पोल्यूशन में। ऑर्डर दे। हेलो कहाँ से आ रहे साहब? लगता है ससुरा बहरा है। मेरे को भी ऐसी दिख रहा। साहब चाय। हेलो मिस्टर, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू? अबे सुने नहीं आ रहा का? अरे क्या बात है, खाली मुआ हिला रही, बात करो ना, जबान दिया ना अल्लाह में इतनी बड़ी है। अरे बात करो, बोले तो ठहर गया क्या रे? भैया जी टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे हम तुमका, जानते नहीं हम कौन है। अरे तू मेरे को नहीं पहचानता रे, जरा प्याली तो पकड़। क्या बोल रहा रे? असलम भाई बोलते दुबई रिटर्न। अबे ससुरा बहरा ना आई। अरे तू कौन भी हूंगा रे, चल यहाँ से। नहीं जाता रे, यही ठहरता हूँ, शाम तक यही ठहरता हूँ, क्या कर लेता। अरे मुन्ना जिद ना कर, घर जा। अरे नहीं जाता हूँ। हाँ क्या कर लेता, दम है बंदे में। हाँ दिखाओ। दिखा 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 रे, दिखा। नहीं दिखाता, क्या करता। अरे जाओ चिच्चा, जाओ यहाँ से। अरे चिच्चा बोल रहा, अरे मेरे। अरे जा रहे, चाय पी लियो ना, शांति रखिए शांति। देख तो मैं तेरे को। अरे जा रहे भैया, क्या करोगे, तबेला बनाओगे? अरे 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 भैया उससे काम करिए, आप हटिए हटिए हटिए।
आप अपना झोला लेके चलो बच गया रे तू। असलम भाई बोलते तुम्हें रिटर्न देख ले तो बेटा। चाहिए भैया चाहिए। साहब ये ब्रिज देखे कितना बड़ा है, 11.5 किलोमीटर का है, कैसा बना है देखे। अभी खाली ब्रिज ही बनाया। आलिया हुआ नहीं हुआ? हो गया। क्या है ये? इतने गलीज कपड़े मंके पहने जैसा। अरे बच्चा देखा तो क्या बोलेगा? अम्मी आपके पैसे वाले दामाद पे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, आप बोले बोल के जो हाथ को लगा वो पहन ली मैं। यो आते छोंगे कोई दम पे। आ गया अब चल। क्या तू भी करते अम्मी, उन्हों आ जाते रहे होते नखरे तो मैं भी नहीं करी, देख रही हूँ। अरे दीवानी पुट्टी तू उसको नकोस की दौलत को देख, उम्र वाला है जल्दी मर जाता, फिर पूरी दौलत तेरी तो दूसरे से शादी कर ले। मेरे को तो इन्हों जल्दी मर जैसा नहीं दिख रहे अम्मी। चुप बैठ, नहीं मरा तो अपन मार देंगे। अरे हौली तू जिसको करोड़पति समझ रही उन्हें फकीरपति है। आइए लिफ्ट उधर से है। लीजिए साहब। अब जा तू, यहाँ से मैं संभाल लेता हूँ। खुदा हाफिज। थैंक यू साहब। अरे चल गए जल्दी। अरे ला जा बुके। जाओ जी। सुनतीश नहीं कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आलिया माइसेल्फ असलम खान फ्रॉम दुबई। राशिदा आंटी बिल्कुल ठीक। आलिया जाओ रिफ्रेशमेंट टेबल पे अरेंज करो। रिफ्रेशमेंट तो मैं फ्रेश होने के बाद लूंगा। वैसे आपको हमारा घर कैसा लगा? इट्स स्मॉल बट ब्यूटीफुल। वेन गर्भवती क्या बोले? वेर इज माई रूम, मेरा मतलब मेरा रूम कहाँ है? यही है। चलिए आइए। वैसे माशाल्लाह आप काफी कम उम्र की लगती है। आप आलिया की माँ नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन लगती है। ये सोना है, ये सोना है, ये सोना है, ये है, ये भेजा है मेरे को तू। अरे सोना कहाँ है? एक बैग की डिलीवरी देने को बोला था। एक बैग की। बस एक मिनट मैं शुरू से शुरू करता हूँ। बोल। आप बैग दिए, हम बैग लेके निकले, गाँव वालों के कपड़े पहने, सेकंड हैंड टीवीएस जाम खरीदे, फिर आपका फोन आया। करेक्ट बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है। थक गए थे, चाय पीने रुके, फिर उन्हें मिला। कौन मिला, कौन मिला? बोल कौन मिला? दुबई रिटर्न। अरे वो ससुरा, उसके चक्कर में हम असली थैली छोड़ के चट्टी वाला थैली उठा लाए भाई। चलिए भैया। किधर किधर? सोना लाने भैया जी। इधर आ बेटा, बैठ। बचपन में जब मैं गलती करता था तो मेरा बाप मेरे को रॉड से मारता था, मगर मैं तुम लोगों को रॉड से नहीं मारूंगा, बल्कि वो रॉड को अंगार में गरम करके तुम लोगों की ऐसी जगह। बस एक चांस 24 घंटे में हम दोनों उसका पता लगा लेते। जाओ 24 घंटे तक वो रॉड को अंगार में रखूंगा लाल होने। 24 घंटे 1 सेकंड के। समझ गए भैया जी, अब तुम यहाँ काहे खड़े हो? गाड़ी निकालिए और चलिए। अरे भैया जी, गाड़ी की चाबी। कौन सी? वो आपकी मर्सिडीज की। टीवीएस कहाँ गई? समझ गए भैया जी, अब आप चलिए। अरे कैसे आदमी पाल रखा है फेरोज, अगर तेरे से नहीं हो सकता तो छुट्टी ले ले, पलाचों को लेके आराम कर कहीं ठंडी जगह जाके। बर्फ है क्या सर? पुट सम आइस बर्फ ठोक इसमें। हाँ क्या है? आँखी आँख। क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। मिल जाएगा फ्रांसिस साहब, सोना मिल जाएगा, टेंशन मत लो। क्या मिलता है? अर्जेंट कहीं को बुला? खुफिया बात है, कोर्ट में बात करना पड़ता, नहीं तो लोगों को शक हो जाता। हाँ। पोटी बोले तो सोना। हाँ। माला बोले तो बिस्किटा। हाँ। समझा? हाँ। चल अब मैं समझाता हूँ तेरे को। अरे पोटी पे कोई हाथ साफ कर देगा तेरे बाप? ऐसा? हाँ। कौन तो भी कर रहे, पूरे मालों को गायब कर दिया। हाँ। देख भाई पट्टी एक जगह खड़ी हुई थी, आजू बाजू कोई भी नहीं थे, मौका देख के उड़ा के लेके चल दिए गए थे। अरे कौन लेके चले गए कि बाप? अच्छा पूरे माला उसके पास ही है, फुल अय्याशी कर रहूंगा। हाँ। अपने फेरोजदान का क्या होगा फिर? तू फिकर न को कर, अब के इस बार ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ, पट्टी भी अपनी, माला भी अपने, उसके बाद अपनी निकल पड़ी। समझा? क्या आ रहे हो शरीफों के मेले में? क्या पट्टी, क्या माला? अरे आप गलत समझ रहे, वो हमारी कोड लैंग्वेज है, बोल रहे
पोट्टी बोले तो सोना, माला बोले तो बिस्किट। ऐसा कहाँ रहता रे तू? गली में रहता हूँ।